ये देखो मैंने ना चोटी बनवाई उससे, वर्णिका से बहुत सुंदर बनाती है, हेयर स्टाइल बहुत प्यारे प्यारे बनाती है, देखो कितनी प्यारी, नाइट में बनाई थी उसने और बहुत सुंदर लग रही है और मेरे फेस पर भी अच्छी लग रही है। और बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाती है वो। और इस लड़के ने आफत काटी हुई है, ये देख पता नहीं क्या क्या कर रहा है। देवियो क्या कर रहे हो बेटा, सारे खिलौने छोड़कर ये ले रहा है। और एक ये देखो, ये अपनी मस्ती में लड़की, ये तब से नींबू खाने में लगी हुई थी ये। और हम यहाँ पर आ गए थे नाइट में 12 बजे के आसपास हम आए थे, और फिर वैसे बेचारी वर्णिका तब से काम कर रही थी, 12 बजे के आसपास आए थे और हम कल चले जाएंगे यहाँ से। तो और देखो इसके नीचे से घुसकर वो निकाल रही है और वर्णिका थक हार के बैठ गई है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, इनका काम हमने कर दिया कंप्लीट, अभी बाकी है वैसे कंप्लीट नहीं किया, हाँ अधूरा काम किया है। देखो पर ठीक है, चलो देखो। वो लगी हुई गुड़ पे। तो अब हम लोग फिर अब जाएंगे हम सीधे, पहले हम वर्णिका को छोड़ेंगे, फिर हम सीमा के यहाँ पर जाएंगे, फिर हम सीधे निकलेंगे। देखो हम गुड़ लेकर जा रहे हैं, वो गुड़ हाथ में लेकर हमारे सारे कपड़े निकाल रही है। वर्णिका कह रही है लावण्या इतने सारी बच्चियां घर में, हाँ जय माता दी, कितनी खुशी हो रही है। नहाते हुए हम लोग को शॉप नज़र आ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से दिए वगैरह और जो माला है फूलों की वो ले लेती हूँ डेकोरेशन के लिए, क्योंकि फिर मुझे नोएडा से भी लेनी पड़ती, फिर मैंने सोचा यहीं से मैं ले लेती हूँ। हम लोग आए हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए ओमेक्स में, हमारे घर के पास यही पड़ता है। तो वैसे भाई स्टार्टिंग हो गई थी पहले से शॉपिंग करना, बट अब फास्ट शॉपिंग स्टार्ट हो गई हमारी दिवाली का। अच्छा 50 रुपये बताओ, एक सेकंड मतलब ईशान के पास 50 रुपए थे, उसके बाद भी मांग रहा है। चल 10 रुपए का ब्याज खा लिया हमने। आज हम ईशान को लेकर आए साथ में कि चल ईशान चलते हैं शॉपिंग करने, क्योंकि आज ईशान क्या उसका ऑफिस नहीं है आज। तो हम पहुंच गए, देखो जो चैन से मुझे बैठने, हाँ जो चैन से किसी को बैठने नहीं देते कहीं से, इस वाले मॉल आते ओमेक्स ना, इन्होंने ना अभी तक वो नहीं लगाए डायनासोर जो यहाँ लगे हुए थे, वो भी लगाए भी इन्होंने, देखो भी सफाई चल रही है शायद दिवाली की वजह से इन्होंने वो डायनासोर हटाए हुए हैं, थे ऊपर रख रखे हैं, अब शायद स्टॉल वगैरह हो सकते हैं लगे हुए ना। ये देखो मैंने यहाँ से खरीदा सिंदूर, क्योंकि मेरा ना सिंदूर इशू ने भी यार भी इशू नाम क्यों याद आता है, इतना इस दिव्य ने तोड़ दिया था। चेंज नहीं होंगे, ऑनलाइन कितने करने हैं, 130 130 रुपये दे चल, हाँ तो मैं तुझे दे दूँगी मौसी के लिए। लिखा यू हैव अराइव्ड एट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल शॉपिंग डेस्टिनेशन, पता नहीं ऐसा सच है या झूठ है पर देख लो, जिसको पता बता। और डर गई, नहीं जा, नहीं नहीं जाना नहीं इधर, हाँ दे दो मुझे, दे बैठ जाओ। घुमाता रहेगा ये लाइटिंग देख रहा है, इसको लाइटिंग दिख रही है ये। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मोबाइल का टेम्पर चेंज करा, तो यहाँ वही मैं कर रही थी। और अब हम लोग गए हैं मैक्स में, ऐसा होता नहीं है कि हम लोग मॉल जाएं और दिव्यो की शॉपिंग ना हो, मैक्स में काफ़ी अच्छा विंटर कलेक्शन आया हुआ है बच्चों का, बड़ों का भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने यहाँ से दिव्यो के लिए कुछ सामान परचेज़ किया, एंड इसके बाद मैं कुछ अपने लिए स्वेटर्स वगैरह भी देख रही थी, काफ़ी सुंदर थे ये सब, मैंने दिव्यो के लिए परचेज़ किए। अभी हम यहाँ से मैं कुछ मिल ही नहीं पाया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो दिव्य के लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हैं, खाली हाथ क्या जाना है यहाँ से वापस। और अब हम लोग जा रहे हैं एक जगह और है, तो वहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह। और आज मुझे मेरे साथ ना एक इशू चल रहा है,
तो आज मुझे मतलब अभी जाना था, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना था किसी रीज़न से। मैं कभी आपको ना, वो अभी चल रही चीज़ें, तो जैसे ही चीज़ें सॉल्व होंगी जो भी होगा ना, मैं आपको बताऊंगी पूरा मैटर, बताऊंगी कि है क्या। और मैं सोच रही थी कि जाऊं ना जाऊं, तो मैं अभी देखती हूँ कि जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। और अभी पहले यहाँ का काम फिनिश करते हैं। हम भैया की शॉप पे दोबारा आए हैं और हम दोबारा कुछ दिवाली के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं, सारे ब्रांडेड हैं इनके पास। ये सब लाइट का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। चलो चलो बस ये वाली माला वाली जो माला जो हैंगिंग माला होती है ना, लड़ी टाइप की जिनको बोलते हैं फ्लावर्स की, वो मैं लेकर आई थी अभी अपने होम टाउन से, आपने दिखाया मेरे कल के ब्लॉग में। और अब मैं इसको बाहर डेकोरेशन के लिए टांग रही हूँ, मेन गेट के बाहर दिखाऊंगी आपको। देखो एक साइड से स्लीव ऐसे निकालता है पूरी, और इसको जुकाम कितना हो रहा है, मैंने दवाई भी लगाई इसके कपड़ों पे। देखो ये कोई तरीका है, देखो 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 देखो, मैंने ले लिया। चलो आओ बच्चों बर्गर खाएंगे, आओ दिव्यु आओ, चला नीचे से चल रहा गाड़ी तक। इसको स्लीव डालो उसके हाथ में। मैं आज सोच रही थी हम चलेंगे, थोड़ी लाइट वगैरह लेकर आएंगे। पावलू तो बहुत दुखी बैठा, वो बहुत ज्यादा दुखी है। पता नहीं पावलू इतना दुखी क्यों है कुछ दिनों से। और जब से मैं घर से आई हूँ ना, मतलब मुझे इतना ज्यादा जुकाम हो रहा है, बहुत ही गला जो है मेरा बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, और जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेडेक सी लग रही है। दवाई वगैरह वैसे मैंने ले ली थी, मतलब मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐसा नहीं है कि केयरलेस दिखाई थी, शॉल वगैरह मैं ले लिया था मैंने, क्योंकि नाइट की ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, एंड बहुत मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सोती थी। उसके बाद भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, और मुँह का टेस्ट भी बहुत अजीब हो रहा है मेरा, फीवर, क्योंकि मुझे फीवर भी लग रहा है, इसलिए मैं बर्गर खा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अजीब है मुँह का टेस्ट। और कई बार मैं लौंग वगैरह की चाय पी चुकी, लेकिन कोई भी आराम नहीं है, मतलब है लेकिन उतना ज़्यादा आराम नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ी केयर कीजिए, मुझे लग रहा है मतलब अपनी केयर कीजिए, और क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है। और ये देखो हमने एयर प्योरीफाई चलाया हुआ है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब एयर में ना इतनी डस्ट हो चुकी है बहुत। अब तो दिवाली आई नहीं है तो ये हाल है, अब तो हर साल का यही हो गया कि बहुत ही डस्ट होती है दिवाली के आसपास, और ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाती है। दिव्यू की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी जुकाम है, मुझे भी जुकाम है।